देश की कृषि व्यवस्था में कोई सुधार करने के लिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता थी, इसका डिस्कशन पार्लियामेंट में इससे पहले था। मेरे पास 10 साल कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, तब भी यह इशू पार्लियामेंट में अपोजिशन ने रेज किया था और तब अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी थी। तब रेज जब किया तब मैंने कमिटमेंट की थी कि अपने संविधान के मुताबिक कृषि ये सब्जेक्ट स्टेट का है और स्टेट का सब्जेक्ट पर बिना उनको कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ कदम उठाना ठीक नहीं, और इसलिए हम इस पर बिना डिस्कशन कुछ करना नहीं चाहते। और इसीलिए मैंने खुद देश के सभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मार्केटिंग मिनिस्टर और एग्रो प्रोसेसिंग मिनिस्टर, इन लोगों की 2 दिन की मीटिंग ले ली, डिटेल डिस्कशन किया, उनके सुझाव मांगे, साथ साथ देश में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है इनकी तरफ से भी सुझाव मांगे और साथ साथ कुछ कृषक संगठन थी किसानों की, इनका भी सलाह ले लिया और बाद में हम ये कानून तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने वाले थे। मगर उसी समय हमारे सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ, नई सरकार हुकूमत में आई और उन्होंने बिना डिस्कशन, बिना राज्य सरकार को कॉन्फ्रेंस में लेकर ये 3 कानून किए और इसको और पार्लियामेंट से लाए। इसे सब अपोजिशन ने विरोध किया था मगर हाउस का काम भी बंद हुआ, वॉकआउट भी हुआ, फिर भी सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने जो अपना इंसिस्टेंस था उसको कंटिन्यू किया, वो 3 कानून ऐसे हजगरी में मंजूर किए गए। इसकी जो रिएक्शन देश में जगह जगह पर हुई और ख़ास तौर पर दिल्ली के सिवा पर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, वहाँ के किसानों में ज़्यादा हुई और उन्होंने एक संघर्ष शुरू किया। दिल्ली को जाने वाला जो सड़क है, रास्ता है, वहाँ जाकर वो बैठे और एक साल उन्होंने ये मौसम कौन सा है इसके बारे में चिंता नहीं की, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, फिर भी वहाँ ही बैठे और शांति से बैठे। एक साल शांति से आंदोलन करना, इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने एक शांति रखना, यह आसान बात नहीं, मगर किसानों ने अपनी समस्या के बारे में कॉम्प्रोमाइज न करने की तैयारी और साथ साथ शांतिपूर्ण आंदोलन, ये दोनों बातें की। इसलिए इन किसानों को हम हमेशा संपर्क रखते थे, हमारा सलाम है उन लोगों का, उन्होंने एक आदर्श किया। अल्टीमेटली जब उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक आ गए, पंजाब के चुनाव नज़दीक आ गए तो और कुछ राज्यों में और ख़ासतौर पर हरियाणा, पंजाब, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में जाने के बाद जो किसानों की रिएक्शन उन्होंने देखी वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये ध्यान में लेकर चुनाव मद्देनजर रखते हुए आज उन्होंने ये 3 कृषि कायदों कानून वापस लेने का डिसीजन ले लिया। जो हो गया हो गया, वो डिसीजन लिया ये अच्छी बात है, हम इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। मगर एक साल किसानों को संघर्ष करने की नौबत इस सरकार ने लाई थी, यह हम भूल नहीं सकते। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।